अवनीव, जब तुम मैडी बुआ को बचाने के लिए हमारी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा फेवर कर सकते हो, तो क्या मैं अमोल को कुछ दिनों तक हमारे घर में नहीं रख सकता क्या? फेवर? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन प्लीज उसे फेवर का नाम देके मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। सर, वो अमोल की स्टेटमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। चलो। अब तो शायद तुझे मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती ना अवनी, शायद यही ठीक है, तुझे नील के साथ ही निकल जाना चाहिए। अली, मैं तुझे इतनी बार फोन ट्राई कर रही थी, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था, तो फिर मैं क्या करती? तूने देखी ना अमोल की हालत। अवनी, अवनी, I'm really sorry यार, ये तो चीजें इतनी उलझ जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था यार अवनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं आज तक ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा कि तेरी शादी हो चुकी है यार। क्या है, मैंने शादी जानबूझकर की थी? तू जानता है ना अली की हालात कैसे थे। तू मेरे बचपन का दोस्त है यार, अगर हम दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अवनी, I'm really sorry यार, S-O-R-E sorry यार, अवनी आज के बाद उससे कभी नहीं लड़ूंगा, I promise। पिछले पंद्रह साल से अवनी के ख्यालों में जी रहा हूँ। अवनी नाम का टैटू तो मेरे दिल पे परमानेंट है ना यार। नहीं यार अली, ये ठीक नहीं है यार। बट अवनी, हम तो दोस्त हैं ना यार। अली, लेकिन मैं नील की फैमिली के लिए उनकी बहू और नील की वाइफ, प्लीज हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। एक्सक्यूज मी सर, सर साइन। इन पेपर्स पे तो भाभी भी साइन कर सकती थी ना, आफ्टर ऑल वो अमोल की बहन है। डीडी, शायद तुम भूल गए, लेकिन घर पे सबको ये पता है कि उसका नाम अनन्या वर्मा है, और मैं अवनी को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हाँ डीडी, गलती से भी कभी नील के घर पे उसे अवनी भाभी कह के मत बुलाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नील, थैंक यू वेरी मच, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने हमारी हेल्प की। Okay. वैसे अली, तुम दोनों की शादी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? सब जानते हैं कि बचपन से ही वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था अपनी को, I mean, बहुत ज्यादा पॉसेसिव है उसके लिए।